दोस्तों व्हाट्सएप पे एक फीचर है टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो चलिए आज वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप को अनलॉक करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे ये 3 वाले डॉट पे। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सेटिंग में। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे अकाउंट में और यहाँ पे जो है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसमें ओपन करने के बाद इसे इनेबल करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड डालना है, जैसे यहाँ पे हम डालेंगे 1 2 3 और 6 5 8 ऐसा। अब इसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। अब यहाँ पे आप चाहे तो अपना ईमेल दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे रहा हूँ। ये ईमेल देने से ये होगा, अगर आप कहीं अपना ऑथेंटिकेटिंग का पासवर्ड अगर भूल गए तो आपको इस पे आ जाएगी, अदरवाइज आप यहाँ से इसे स्किप भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए स्किप करने में बता रहा है, इफ़ यू डोंट एड एन ईमेल एड्रेस एंड यू फॉरगेट योर पिन यू वॉन्ट बी एबल टू री रजिस्टर योर फोन नंबर विद व्हाट्सएप। मतलब ये बता रहा है कि अगर आप ईमेल नहीं दोगे और पासवर्ड अपना भूल गया ऑथेंटिकेटर का, तो फिर से आप व्हाट्सएप नहीं बना पाओगे। ओके, तो आप यहाँ पे ईमेल दे ही दीजिएगा ताकि सेफ रहेगी। हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग इसे डन कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से अपना चेंज पिन को कर सकते हैं यहाँ पे डाल के, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ से अगर आप चाहें कि इसको डिसेबल करना है तो आप इसे डिसेबल भी कर देंगे। तो अब हम लोग व्हाट्सएप को जैसे क्लोज करेंगे, फिर से व्हाट्सएप ओपन करते हैं। अब यहाँ पे अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही डालेंगे। ये खुल गया। तो दोस्तों ये टू स्टेप ऑथेंटिकेटिंग लगाने से ये होता है ना कि अगर आपका व्हाट्सएप जैसे 1-2 दिन या फिर बहुत देर से अगर किसी ने ओपन नहीं किया है, मतलब आपने ही ओपन नहीं किया है, तो जो भी लोग ओपन करेंगे तो वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन का पासवर्ड देना पड़ेगा। या फिर कभी कभी होता है ना कि जैसे अगर आप मतलब मोबाइल से ही किसी के पीसी में व्हाट्सएप यूज कर रहे हो स्कैन करके, तो वैसे केस में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का काम आता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।